रहे हो कि सुबह से लेकर कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एकदम डाउन हो गया है, ना एयरपोर्ट पे कोई काम हो रहा है, ना आपके रेलवे स्टेशन पे, ना बैंकिंग में, तो पूरा वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो गया है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने के कारण। क्या हुआ है कि बेसिकली ये ब्लू स्क्रीन आ रहा है, सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, ये उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है जो ओरिजिनल यूज कर रहे हैं और क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, 365 या 10 का क्लाउड बेस्ड यूज कर रहे हैं। हुआ क्यों है ये प्रॉब्लम, आई क्यों अचानक से? तो एक क्लाउड स्ट्राइक करके कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करती है और वो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है जितने भी, क्योंकि क्लाउड पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मायने रहता है। तो जितने भी आपके एयरवेज हैं, जितने भी आपके ट्रेन वाले हैं, हमारे यहां तो ट्रेन का नहीं लेकिन विदेशों में ट्रेन स्थगित कर दी गई है, एयरपोर्ट पे काफी इंपैक्ट पड़ा है, तो वो एक अपडेट दिया था। अपडेट जैसे ही वो हुआ विंडोज में, वैसे ही सिस्टम शटडाउन हो गया और ऑन करने के बाद ये ब्लू स्क्रीन आया, जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं या ब्लू स्क्रीन एरर बोलते हैं, ब्लैक स्क्रीन एरर बोलते हैं, या स्टॉप कोड भी बोला जाता है इसको। ये कभी कभी आप वैसे भी जनरली ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी कोई हार्डवेयर फेल हो जाए या किसी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आता है, तभी भी ऐसा ब्लू स्क्रीन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट शटडाउन कर देता है सिस्टम को। वो क्यों करता है कि अगर कोई बग आ गया तो आपके सिस्टम को हानि ना पहुंचे, इस वजह से। तो उस क्राउड स्ट्राइक का जो अपडेट था जिसके कारण कोई एरर आया और एरर के कारण उसने सिस्टम को बचाने के लिए कि कोई नुकसान ना हो किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, वो आपका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो खासकर स्पाइस जेट, इंडिगो, इन सभी के जो एयरलाइंस है, इन पे काफी इंपैक्ट पड़ा है। जो एक तरह से आपको बोर्डिंग पास डिजिटली मिलता था वो हैंड रिटेन अब दिया जा रहा है, तो इससे काफी डिले भी हुआ है जिन्हें पैसेंजरों को कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग करना था। और बैंकिंग में भी इसका इंपैक्ट पड़ा है, जो भी इसके सॉफ्टवेयर यूज करते थे, विंडोज हर जगह यूज होता है, तो बहुत ज्यादा बैंकिंग लाइन में भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। अब रही बात कि ये सही कैसे हो सकता है, तो क्लाउड स्ट्राइक ने इसको सही करने का भी बताया है कि कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे हम सिस्टम को चला सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप विंडोज जब स्टार्ट करते हो तो आप उसको सेफ मोड में स्टार्ट कर लो, या आप सीधे सीधे, ये बोला गया है कि विंडोज की 32 जब आपके सिस्टम फाइल में जाएंगे तो जो आपकी अपडेट हुआ है उस अपडेट को हटा दे, ठीक है, पुराने वर्जन पे चले आए, जो पुराना वर्जन था तो पुराना वर्जन आपका स्मूथ चलेगा। तो सभी में नहीं है, जिन लोगों ने ये अपडेट किया था उसी में ये आपके ब्लू स्क्रीन एरर जो है स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये सब चीजें चालू हो जाएंगी, ऐसे होते रहते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।